हेलो एवरीवन, तो कैसे हो? आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं द एर्थ सन आर यू किडिंग मी का एपिसोड 4। एपिसोड के स्टार्टिंग में एक स्पेसशिप को दिखाया जाता है। लीना वेंडलिन से कहती है, क्या हमें भी तुम्हारे साथ पार्टी में जाना होगा? तब वेंडलिन बताता है कि उसका भाई एरिज ने उसे कहा था अगर उसके पास कोई दोस्त है तो वह उन्हें अपने साथ ला सकता है। फिर वहाँ लूसी आती है। वह बहुत चमकदार कपड़े पहने होती है और लूसी कहती है, अगर मुझे कोई देखेगा तो मुझे झट से काम में रख लेगा। लीना वेंडलिन से पूछती है, क्या उसके भाई के शादी में नोबेल लोग भी आएंगे? वेंडलिन हाँ कहता है। फिर हमें एरविन को दिखाया जाता है। वह बहुत घबराया होता है क्योंकि उसे बिलीव ही नहीं हो रहा होता है कि कोई सीप आसमान में कैसे उड़ सकता है। तब वहाँ ब्रेंटक आता है और एरविन से कहता है, घबराओ मत, ये सीप जमीन में नहीं गिरने वाला। ब्रेंटक को देखकर लीना वेंडलिन से कहती है, शादी में सिर्फ तुम्हारे दोस्तों को बुलाया गया है। फिर वेंडलिन उसे बताता है, ब्रेंटक उसे बस गाइड कर रहा है। देखते ही देखते आसमान में काले बादल आ जाते हैं और एक ड्रैगन भी नज़र आता है। उस ड्रैगन को देखकर वेंडलिन कहता है, अब लग रहा है कि हम नीचे गिरने वाले हैं। फिर सभी लोग जो उस शिप में होते हैं, ये लोग पायलट से बहस करने लगते हैं कि अब हमें कौन बचाएगा। तब वह पायलट बताता है कि उसके शिप में एक महान जादूगर है और उसका नाम ब्रेंटक है। वह उस ड्रैगन से हम सभी को बचाएगा। ब्रेंटक पायलट को साफ मना कर देता है कि वह उस ड्रैगन से नहीं जीत पाएगा क्योंकि उसे हराने के लिए होली मैजिक का यूज़ करना पड़ेगा और होली मैजिक उसे नहीं आता। फिर ब्रेंटक कहता है, मुझे एक बंदे के बारे में पता है जो कि होली मैजिक जानता है। फिर वह वेंडलिन की ओर इशारा करता है। वेंडलिन कहता है, ये मैं नहीं कर सकता। फिर ब्रेंटक उससे कहता है, अगर यहाँ तुम्हारे टीचर होते यानी अल्फ्रेड, तो वह खुशी खुशी उस ड्रैगन से लड़ते। वेंडलिन लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जब वेंडलिन स्पेसशिप के बाहर जाने वाला होता है, तब ब्रेंटक कहता है, मैं यहाँ रहकर शिप की हिफाजत करूँगा। फिर वेंडलिन उस ड्रैगन से लड़ने निकल पड़ता है। जब वेंडलिन लड़ रहा होता है, तब वह देखता है कि शिप के चारों ओर एक प्रोटेक्शन शील्ड बन चुका है। वेंडलिन और ड्रैगन के बीच कुछ देर तक लड़ाई चलती है। फिर वेंडलिन अपना होली मैजिक यूज करता है और उस ड्रैगन को हरा देता है। तब ब्रेंटक उसे बताता है, तुम अपना मैजिक बैग यूज करो और उस बोन्स को कलेक्ट करो। जब वेंडलिन बोन्स कलेक्ट कर रहा होता है, तो उसे एक रेड डायमंड मिलता है। सभी लोग जीत की खुशी में जश्न मना रहे होते हैं। वेंडलिन और ब्रेंटक बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ एक आदमी आता है। उसका नाम आर्थोरियो होता है। आर्थोरियो बताता है, उसने सब देखा कैसे वेंडलिन उस ड्रैगन से लड़ा। तब ब्रेंटक बताता है कि आर्थोरियो उसका पुराना दोस्त है। फिर आर्थोरियो वेंडलिन को बताता है कि वहाँ शॉपिंग करना बहुत मुश्किल है। तब वेंडलिन उसे पूछता है, ऐसा क्यों? वह कहता है, वहाँ जाने के बाद सब पता चल जाएगा। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। सभी लोग पी के टूल होते हैं। लीना का टीम देख रहे होते हैं और वे लोग एक जगह पर पहुँचते हैं। उस जगह का नाम स्टटबर्ग होता है। वह सिर्फ पानी में उतरता है। एरविन कहता है, चलो थोड़ा शहर में घूम लिया जाए। लूसी को यह आइडिया पसंद आता है और कहती है, मुझे यहाँ पर थोड़ा कपड़े भी खरीदना है। तब ब्रेंटक कुछ बहाना बनाकर वहाँ से निकल पड़ता है और कहता है, आर्थोरियो अब सब तुम्हारे हाथों में है, सबका ध्यान रखना। फिर वहाँ ढेर सारे सिपाही आ जाते हैं। उन्हें देखकर एरविन कहता है, क्या हमने कुछ गलत किया है? तब वह सिपाही उससे कहता है, आपने उस एंशियंट ड्रैगन को मारकर बहुत अच्छा काम किया है। हमारे राजा आपका इंतजार कर रहे हैं और उन्हें अपने साथ आने को कहता है। वे सभी लोग कैसल में पहुँच जाते हैं। कैसल बहुत बड़ा होता है। लूसी वेंडलिन से कहती है, तुम यहीं रहो, हम तुम्हारे भाई के यहाँ जा रहे हैं। राज दरबार का सीन दिखाया जाता है। एक आदमी आवाज़ लगाता है, जिसने उस एंशियंट ड्रैगन को मारा वह पधार रहे हैं और उसका नाम लेता है और साथ में आर्थोरियो को भी लाया जाता है। वे दोनों राजा की रेस्पेक्ट करते हैं। राजा उन्हें अपना सिर उठाने को कहता है और वेंडलिन से कहता है, तुम तो बहुत यंग हो, और बताता है जिस प्रकार उसने एंशियंट ड्रैगन को मारा और बाकी लोगों को बचाया है। इस तौर पर उसे 6th रैंक का बैरोनेट का पद दिया गया है। फिर आर्थोरियो वेंडलिन को याद दिलाता है कि उसे अपना प्लेज लेना है। तब वेंडलिन अपना तलवार निकालता है और कहता है, मैं अपने राजा, अपने राज्य और यहाँ के लोगों का सेवा करूँगा। फिर उसे ट्विन ड्रैगन मेडल मिलता है उस ड्रैगन को हराने के लिए। सीन चेंज होता है। लीना और बाकी लोग वेंडलिन के भाई के यहाँ होते हैं। फिर उसका भाई कहता है, क्या वेंडलिन वहाँ ठीक होगा? तब ब्रेंटक बताता है, वेंडलिन वहाँ के शो का हीरो है। सभी बच्चे लोग चाय पी रहे होते हैं। वहीं दूसरी ओर ब्रेंटक ब्रांडेड दारू मंगवाता है। मैं एक बात बताना भूल ही गया, सारे दोस्त वेंडलिन को विल बुलाते थे, तो हम भी आज से उसे विल बुलाएंगे। एरविन पूछता है, क्या सही में विल बैरोनेट बनने जा रहा है? तब ब्रेंटक कहता है, मुझे पूरा बिलीव है कि उसे हाई रैंक मिलेगा। वहीं दूसरी ओर विल के भाई को यह बिलीव भी नहीं हो रहा होता है कि
विल एक नोबेल मैन बनने वाला है। फिर हमें पता चलता है कि विल के फैमिली में सभी लोग नाइट थे और अगर विल बैरोनेट के पद पर आ गया तो वह अपने फैमिली के लिए एक अलग रास्ता बनाएगा। लीना उदास होकर कहती है, क्या विल एडवेंचर करना छोड़ देगा? तब ब्रैंटक बताता है, ऐसी बात नहीं है, भला ही उसे नोबेल मैन बनने का मौका मिला है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि वह यहीं रहकर अपना काम करे। यह सब उस पर डिपेंड करता है कि वह एडवेंचर करे या ना करे। सीन चेंज होता है, कैसल का सीन दिखाया जाता है। सभी लोग ड्रैगन के बोन्स पर बोली लगा रहे होते हैं। एक आदमी बोली लगाता है, वह उस बोन्स और मैजिक स्टोन के लिए 170,000 गोल्ड कोइंस देने को तैयार है। वहीं दूसरी ओर कहता है, इसका दाम 130,000 कोइंस ठीक है। तब विल को पता चलता है कि ब्रैंटैग ने इसलिए उस बोन्स को कलेक्ट करने के लिए कहा था। तभी वह अमीर आदमी कहता है, इस बंदे ने अपने जान पर खेल कर इसे यहाँ लाया है तो इसका दाम ज़्यादा ही होना चाहिए। लेकिन दूसरी ओर वह आदमी कहता है, इसका दाम का लिमिट बहुत ज़्यादा है, इसे थोड़ा कम होना चाहिए, और बताता है, अब विल यहीं का आदमी है तो इसे भी यह समझना होगा। वह रिच आदमी बताता है, इस बोन और मैजिक स्टोन से हम कई सारे शिप बना सकते हैं जो कि हमारी हेल्प करेगी, और कहता है, अगर ऐसा नहीं होगा तो विल का मेहनत बेकार हो जाएगा। फिर वहाँ एक बूढ़ा आदमी आता है, वह इन दोनों को शांत कराता है और कहता है, दोनों को बात सही है, और अपना प्रस्ताव रखता है 150,000 कोइंस। वह दूसरा आदमी इससे एग्री नहीं करता। फिर वह बूढ़ा आदमी बताता है, सभी लोगों का ध्यान अभी विल पर है और इसका मानना है कि विल ने जो भी किया है वह किसी की रॉयल फैमिली के बस के बाहर है, और इसे पहले कि विल नाराज़ हो जाए जल्दी से सौदा कर लेना चाहिए। वह बूढ़ा आदमी विल से माफ़ी मांगता है और कहता है, मैं आपका और टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, और वह ऐसा संभाल लेता है। फिर हमें पता चलता है कि कोई विल को चर्च में शामिल करना चाहता है तो कोई मिलिट्री में। इवनिंग का सीन दिखाया जाता है, एक आदमी विल को रोक लेता है और अपना स्किल दिखाने लगता है। यह देखकर विल कहता है, क्या ये कोई स्ट्रीट परफॉर्मर है? तब आर्थोरियो उसे बताता है, वह बंदा ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे लगता है कि तुम उसे हायर करोगे। फिर बताता है, उस कैपिटल में ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जिसने ट्विन ड्रैगन मेडल जीता हो एक्सेप्ट विल, और कहता है, उसे 2 सेंचुरी से कोई नहीं जीत पाया है। फिर वहाँ सिपाही आते हैं और उस बंदे को वहाँ से हटा देते हैं। हमें पता चलता है कि बहुत सारे रिच लोग अपनी बेटी का हाथ विल को देना चाहते हैं, और आर्थोरियो विल से कहता है, तुम्हें कुछ दिनों के लिए बाहर नहीं आना चाहिए। तब विल कहता है, तो मैं शॉपिंग कैसे करूँगा? आर्थोरियो कहता है, इसलिए मैंने बोला था कि यहाँ शॉपिंग करना मुश्किल है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, विल अपने भाइयों से मिलता है। वे लोग दुखी नज़र आ रहे होते हैं। विल को पता चलता है कि उसके फैमिली की तरफ से कोई भी गिफ्ट नहीं आया है। फिर विल का भाई कहता है, जो भी लोग यहाँ आएंगे वे लोग सोचेंगे कि यह दूल्हा कितना कंजूस है। फिर वे विल को एक लेटर देते हैं। वह लेटर उसके भाई कुर्त की तरफ से आया होता है। उसमें लिखा होता है कि उसके पास कोई भी पैसे नहीं है, इसलिए वे लोग उसका भी पैसा दे दें। विल उन्हें सजेस्ट करता है कि वे लोग गिफ्ट के तौर पर फ्लावर दे दें, लेकिन वे नहीं मानते और कहते हैं, नोबेल फैमिली का गिफ्ट है तो यह कुछ कीमती ही होना चाहिए। यह परेशानी विल से देखा नहीं गया और अब वह अपनी तरफ से गिफ्ट देता है। विल अकेला बैठा होता है, तभी वहाँ आर्थोरियो आता है और उसे चावल से भरा घड़ा देता है। विल अपने दोस्तों को लेकर उस चावल का डिश बनाता है और अपना मैजिक यूज करता है, और वह खाना तैयार हो जाता है। वह खाना वे सभी में बांटता है, उन्हें उसका खाना बहुत अच्छा लगता है। जब विल अपना खाना टेस्ट करता है तो उसे भी वह खाना बहुत अच्छा लगता है। फिर हमें उस बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है, वह अपने पोती से कहता है, उसके लिए एक अच्छा हस्बैंड मिल गया है। हमें उस लड़की का नाम पता चलता है, उसका नाम एलिस होता है। और यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए अभी सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।